अस्सलाम वालेकुम। तो आई थिंक आई विल बी वेल। तो आज हम जो बात करेंगे वो है जी रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस जो क्या होते हैं, रिलेशन आप किसी भी चीज़ का रिलेशन ले सकते हो कि जैसे बाप का बेटे के साथ, माँ का बेटे के साथ, बेटी के साथ, ठीक है। और भी कई रिलेशंस आपको पता है रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। रिलेशन एक रिश्ता होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, टीचर का स्टूडेंट के साथ हो सकता है। किसी भी रिलेशन को आप देख सकते हो, उसी रिलेशन को जो है वो टॉपिक में डिफाइन किया हुआ है। तो जो रिलेशन है वो क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसी रिलेशन को हमने डिफाइन करना है। तो रिलेशन क्या चीज़ है हमारे पास। रिलेशन इफ A एंड बी आर डू नॉन एम्पिटी कंसेप्ट एंड नॉन एम्पिटी सेट। सेट लिख लो, वैसे भी सबसेट भी लिख लो आप, वहां से भी कोई चीज डिफाइन हो सकती है। सबसेट से भी, सबसेट भी तो एक सेट ही होता है, ठीक है। वहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो। वैसे सेट आप लिखो एंड आ सबसेट ऑफ दी पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो रिलेशन के बारे में मुख्य एग्जांपल्स भी सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल हो, एग्जांपल है जी हमारे पास के हमारे पास तीन चाइल्ड हैं, ठीक है। चाइल्ड का सेट है एक हमारे पास सी, वो क्या है जी सी वन सी टू और सी थ्री, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास फादर्स का सेट है, ठीक है। उसको एम से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, तो आप एफ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फादर एफ वन और एफ टू, ठीक है। तो जनरल के लिए लिया है, जनरल है। तो अब हम बात करेंगे इसके जो यहाँ पे हमारे पास इसके कार्टिजियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर हम सी क्रॉस एफ ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे, वो रिलेशंस क्या बनेंगे C1 और F1 के साथ। या C1 F1 का फादर होगा, C2 या तो फादर होगा या C3 का फादर होगा। ये हम कंडीशन लिख लेंगे, या ये C3 का फादर है। उसके बाद फिर F2 जो है शायद फादर F1 का, रिलेशन हो सकते हैं किसी भी तरह के। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास जो है ये C3 का भी फादर हो सकता है, ठीक है। ये C1 का भी फादर हो सकता है, C2 का भी हो सकता है, C3 का भी, उसके बाद F2 भी, इसमें से किसी का भी फादर हो सकता है। तो हमने ये रिलेशन कायम कर लिए कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, रिलेशन दी है इसने, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, जो C1 और ठीक है C2 का जो फादर है वो F1 है। उसके बाद हमें दिया है जी C3 का जो फादर है वो F2 है, ठीक है। तो यहां से हमारी जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगी। तो डोमेन जो होती है असल में,
मैंने आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन नहीं किया, जो डोमेन होती है वो हमारी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशंस जो होते हैं या ऑर्डर पेयर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डोमेन कहलाते हैं, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इसकी रेंज होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके क्या है, C1, C2, C3 और ऐसे ही इसके सेकंड एलिमेंट की बात करें वो F1 और F2 है। आपने इसको रिपीट नहीं करना, ठीक है, अब यहाँ पे F1 F2 यूज किया हुआ है उसने, तो आपने इसको रिपीट नहीं करना। ये हमारी डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, अब इसको बना भी सकते हो, ठीक है, डायग्राम इसकी ऐसे होगी C1, C2, C3, F1 और F2। से कहा था इसका ये फादर है, इसका ये फादर है और इसका ये है, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका भी इसके साथ है और इसका इसके साथ है, ठीक है, उसने रिलेशन दिया था ये हमें, तो ये सिंपली हमने डिफाइन कर दी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी कुछ एग्जाम्पल है और कुछ सोल्यूशन है, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व की है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो आपको रिलेशन में, ठीक है, तो आप उसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए सी यू सून, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।